In trading, you have to be defensive and aggressive at the same time. If you are not aggressive, you are not going to make money. And if you are not defensive, you are not going to keep the money. Ray Dalio. Good morning, friends. Currency Daily Analysis pe aap sabhi ka swagat hai. Aaj hai 26th of January 2023. Happy Republic Day to all my fellow Indians. Aaiye dekhte hain. क्या ओवरनाइट में करेंसीज में क्या क्या एक्टिविटीज हुआ है. डॉलर नियर 8 month लो एहेड ऑफ सेंट्रल बैंक मीटिंग्स ऑन 1st of February 2023. अभी है 101.61, काफ़ी कंसोलिडेटिंग कर रहा है पिछले 7-8 ट्रेडिंग सेशन से. सो हमें और थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा बिफोर द पॉलिसी इज आउट. FOMC rate decisions are out. Dollar rupee consolidation chal raha hai in between 81.90 and 81.00 ke beech mein. Aur thoda time yahan pe bitana chahiye kyunki aapka budget sessions on 1st of February. Uske baad kuch activities hum expect kar sakte hai. Till that time it is expected to trade in between the two ranges. GBP डॉलर अभी है 1.2396, जो रेजिस्टेंस लेवल था दैट इज 1.24 से 1.2450, वहाँ पे काफ़ी दिनों से टाइम पास कर रहा है आपका. वह तीन छः दिन हो गया है. आज 7th डे है कि इस रेजिस्टेंस के आसपास ठहर गया है. What it indicates, there are higher probabilities कि resistance को तोड़ के ऊपर जाने का प्रयास कर रहा है. RSI terms में भी अगर हम देखेंगे, it took support at 60. एक झलक weekly में देख लेते हैं. Weekly में आपका at 60, so immediately कुछ zoom up होने का संभावना कम है on weekly time frame, but daily time frame में थोड़ा सा एक मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. ओनली बिकॉज इट इज पासिंग टाइम एट द रेजिस्टेंस लेवल. इसको अगर नीचे आना होता तो इमीडिएटली झट से नीचे आ जाता, लेकिन वो आ नहीं रहा है. सो हमें थोड़ा सा और यहाँ पे ऑब्जर्व करना है. GBP INR ये 60 में रेजिस्टेंस लेने के बाद फिर ऊपर जाने का प्रयास कर रहा है ऑन डेली RSI ट्रेंड. वीकली अगर देखेंगे, ये वीकली में भी आपका 60 के ऊपर चला गया है. दैट बीइंग द केस, यहाँ पे एक छोटा सा रूम है टुवर्ड्स 102.70 से आपका 103.50 के बीच में ऑन वीकली टाइम फ्रेम. ऑन डेली टाइम फ्रेम थोड़ा सा प्रयास कर रहा है ऊपर जाने का. सो बाय डिप्स मे बी कंसीडर टिल द ट्रेंड लाइन सपोर्ट इज एक्टिंग एज अ सपोर्ट लाइन. यूरो डॉलर 1.0915, ये धीरे धीरे ऊपर जाने का प्रयास कर रहा है. एक बार वीकली में नज़र डाल लेते. वीकली इज ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग. जो इमीडिएट रेजिस्टेंस हो सकता है वो हो सकता है 1.0950 से 1.10 के बीच में ऑन वीकली टाइम फ्रेम. डेली में थोड़ा सा बाय डिप्स वी में कंसीडर. यूरो INR ये डेली RSI was taking resistance at 60, लेकिन अभी ये ऊपर चला के 64.68 में चला गया. दैट बीइंग द केस, जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है उसको भी तोड़ के ऊपर गया है. अभी जो हायर टाइम फ्रेम में जो मेजर रेजिस्टेंस लेवल है वो है 89.25 से आपका 91 के बीच में. सो 1.75 बिग इसका एक रेजिस्टेंस जोन है ऑन ए मंथली टाइम फ्रेम ये वाला. एंड वीकली में भी आप अगर देखोगे, बेसिकली दिस जोन इज एक्सपेक्टेड टू एक्ट एज ए मेजर रेजिस्टेंस. हालांकि जोन जो है काफी बड़ा है. सो डेली टाइम फ्रेम में थोड़ा सा हमें बाय डिप्स के लिए ट्राई कर सकते हैं. डॉलर येन 129.32, ये बार बार फील हो रहा है. कौन सा फील हो रहा है? ये जो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज दे नहीं पा रहा है. जब तक इट फेल्स टू ब्रेक above this trend line, resistance line and give a positive follow through, तब तक यहाँ पे strength नहीं मिलेगा. ये हो गया price action के हिसाब से. अगर हम
ये आरएसए टर्म्स में देखेंगे, एक प्रोबेबिलिटी दिख रहा है जो आपका आरएसआई है। ये हमें देखना है कि ये सपोर्ट्स 40 पे बना रहा है या नहीं, हमें ये इंतजार रहेगा। अगर ये सपोर्ट बना के ऊपर की तरफ जाता है, समथिंग लाइक दिस, तो एक यहाँ पे इन सच ए सिनेरियो ये जो रेजिस्टेंस लाइन है इसको भी ब्रेक कर सकता है। टिल दैट टाइम यहाँ पे आपका लो लेवल पे 127.50 में एक्ट एज ए सपोर्ट ऑन ए डेली बेसिस, डेली टाइम फ्रेम बेसिस, एंड द ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस इज गोइंग टू एक्ट एज ए रेजिस्टेंस। येन आईएनआर पे अगर हम देखेंगे अभी है 63.03। यहाँ पे बेसिकली हम लोग एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट के नीचे ब्रेकडाउन के लिए हम इंतजार कर रहे थे। एक कैंडल जो ब्रेक डाउन किया था ये वाला डेटेड 23rd of January, लेकिन उसके बाद फॉलो थ्रू नहीं मिला। ये फॉलो थ्रू अगर हो जाता तो हमें एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस या अच्छा खासा सेल ऑफ हम एक्सपेक्ट कर सकते थे। अगर आरएसआई टर्म्स में देखोगे एक सीरियल डाइवर्जेंस है, अभी भी पॉसिबिलिटीज है कि ये अभी भी नीचे के आने का प्रयास कर सकता है। सो हमें प्राइस एक्शन को ऑब्जर्व करना पड़ेगा फॉर सम सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। डॉलर कैंडी कंसोलिडेट कर रहा है 1.3325 से 1.3525 के बीच में, और थोड़ा टाइम पास होगा बिफोर द एफओएमसी रेट डिसीजन, उसके बाद ही एक डायरेक्शन हम पकड़ सकते हैं। ऑसी डॉलर 0.7109, काफी स्ट्रेंथ यहाँ पे है। एंड जो इमीडिएट रेजिस्टेंस था दैट इज 0.7125, इसको चैलेंज कर रहा है। सो ये चैलेंज क्या सक्सेसफुली ब्रेकआउट ऊपर में करेगा, ये हमें थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है। क्विकली में भी आरएसआई जो है 60 को ब्रीच करके ऊपर चला गया है, दैट बीइंग द केस यहाँ पे बाई डिप्स हम कंसीडर कर सकते। कलर सीएनएच 6.7603, एज एक्सपेक्टेड ये आपका 6.79 और 6.73 के बीच में कंसोलिडेट कर रहा है, और थोड़ा टाइम कंसोलिडेट करने दीजिए बिकॉज जितना ज्यादा कंसोलिडेशन उतना ही बड़ा ब्रेकआउट ऑन आइदर साइड। हमें देखना पड़ेगा क्या ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है या नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करता है। ये हो गया प्राइस एक्शन। अगर हम आरएसआई टर्म्स में देखेंगे, आरएसआई में अगर देखोगे डेली आरएसआई टू रेजिस्टेंस एट 40, दैट बीइंग द केस आने वाले दिनों में देयर मे बी अ पॉसिबिलिटी टू ब्रेक डाउन ऑन द लोअर साइड। सो क्या ये होता है ये हमें देखना पड़ेगा। यूके ऑयल 86.18, आपका इमीडिएट जो रेजिस्टेंस 89.50, उसमें रेजिस्टेंस लेके थोड़ा सा पुल बैक कर रहा है। यहाँ पे आप अगर प्राइस एक्शन के हिसाब से देखोगे नॉन स्टॉप ये हायर हाई हायर लो बना रहा है, 1 2 फिर ऊपर 3। सो 1 2 3 हायर हाइज बनाया हुआ है, अभी एक हायर लो बना के फिर ऊपर जाने का प्रयास कर सकता है। सो हमें बाई डिप्स के लिए इंतजार रहेगा। ये हो गया प्राइस एक्शन के हिसाब से। अगर हम आरएसआई टर्म्स में देखेंगे, इट टुक रेजिस्टेंस एट 60 ऑन ए डेली टाइम फ्रेम। वीकली में एक बार झलक मार लेते हैं, वीकली एट 46, सो काफी रूम है बोथ साइड जाने का। दैट मीन द केस हमें ये रहेगा कि सेंटर बैंड ऑफ द बोलिंजर बैंड व्हिच इज अराउंड 8350 8370, क्या ये उस लेवल पे आके सपोर्ट लेके ऊपर जाता है, या करंट लेवल पे जो चेंज इन पोलरिटी या रोल रिवर्सल है यहाँ से ये आपका ऊपर जाता है, वो हमें देखना पड़ेगा। यूएस 10-year ट्रेजरी 3.44, आपका 19 जनवरी से एक अपमूव का बाउंस करने का प्रयास कर रहा था लेकिन स्विंग हाई को तोड़ नहीं पाया। दैट बीइंग द केस यहाँ पे आपका एक साइडवाइज कंसोलिडेशन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं बिटवीन द रिसेंट स्विंग लो व्हिच इज एट 3.33 एंड रिसेंट स्विंग हाई दैट इज 3.56 टिल एफओएमसी रेट डिसीजंस। उसके बाद एक मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आइदर साइड पे, उसके लिए हमें इंतजार रहेगा। सो करेंसी डेली एनालिसिस अभी के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगा होगा। इफ सो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड
अपने फ्रेंड सर्कल पे शेयर कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। बाय बाय।